आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा चाट। ये स्ट्रीट फूड है हमारे। जैसे आजकल सर्दियों में दिल करता है कि हम गरम गरम चाट खाएं, तो आलू टिक्की चाट के बजाय अगर दिल करे कुछ और डिफरेंट सा खाने का, तो हम ब्रेड पकौड़ा चाट बना सकते हैं। मैं अरुणा गुप्ता, अरुणा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड पकौड़ा चाट बनाना। तो ब्रेड पकौड़ा चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू बॉईल कर लेंगे और उनको मैश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ चार बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, उनको बॉईल करके मैश कर लिया हुआ है। अब इसमें डाल देंगे हम 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। साथ में डाल देंगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। हरी मिर्ची मैंने 2-3 ली हुई हैं, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हो। और एक प्याज कटा हुआ बारीक। ये हम सारा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग वाला मिक्सचर तैयार हो गया है। अभी इस स्टेज पे आप टेस्ट कर लें, अगर कुछ कमी लगे तो वो ऐड कर सकते हो इसमें। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम पकौड़ा बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। मैं जो 10 ब्रेड पीस के पकौड़े बनाऊंगी, तो उसके हिसाब से हम 1.5 बोल जो है बेसन ले लेंगे और इसका घोल बना देंगे। इसमें मैं 1 फुल बोल जो है पानी का डाल रही हूँ। जिस बोल से मैंने बेसन लिया था उसी बोल से मैं पानी डाल रही हूँ। अभी हम 1 बोल डालेंगे, फिर अगर हमें लगा कि ये गाढ़ा घोल बन रहा है तो फिर और पानी ऐड कर देंगे, पर पहले हम ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। अभी ये बहुत गाढ़ा घोल है, इसमें थोड़ा पानी हमारा और ऐड हो जाएगा। 1/2 बोल और पानी का ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून अजवाइन या 1/4 टीस्पून भी डालें वो भी काफी हो जाती है इसमें। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमारी फिलिंग में भी है तो थोड़ा कम ही हम इसमें नमक रखेंगे। तो हमारा घोल तैयार हो गया। जैसा हमारा पकौड़ों का घोल बनता है उस हिसाब से हमारा ये घोल तैयार हो गया। ये हमारे घोल की कंसिस्टेंसी इस तरह से रहेगी, बहुत पतली भी नहीं चाहिए और बहुत गाढ़ी भी नहीं चाहिए। अब इसको हम साइड में रख देंगे। ब्रेड पीसेस ले लेंगे, 2 ब्रेड पीस ले लिए मैंने यहाँ पर। इसमें मैं साइड्स नहीं काटती हूँ, अगर आप काटना चाहे तो काट ले, पर साइड्स का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे, 1 पीस ले लेंगे और जो हमने आलू की और प्याज की जो फिलिंग बनाई हुई है उसको इस पे पूरे पे स्प्रेड कर देंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे इसको, क्योंकि चाट का मजा तभी है जब उसमें आलू की स्टफिंग जो काफी ज्यादा हुई हो। तो इस तरह से डाल देंगे और दूसरे से हम प्रेस कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब इसको आप चाहे तिरछा काटें या स्क्वायर में, जैसे भी काटना है वैसे काट लें। मैं इसका बीच से कट लगा रही हूं, क्योंकि जब फिर हम चाट बनाते हैं तो उसमें हमारे पीसेस जो इक्वल होते हैं। अगर हम इसमें तिरछा काटते हैं तो उसमें पीसेस थोड़े से इक्वल नहीं होते हैं फिर। तो इस तरह से हमने स्टफिंग कर ली, ये देखिए। अब जो हमारा बेसन का घोल बना हुआ है उसमें डाल लेंगे और इस तरह से इसमें चारों साइड जो है बेसन का घोल लगा लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में जो है मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया हुआ है, और तेज गरम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे गरम होना चाहिए वो हमारा जो ऑयल है, और फ्लेम भी अभी भी हाई रहनी चाहिए हमारी। उसमें हम इसको डाल देंगे। ध्यान रखें कि ऑयल हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना फिर कच्चे तेल की स्मेल आएगी। अब इसको हम डाल देंगे इस तरह से और दूसरा पीस भी हम डाल देंगे। फ्लेम अभी हमारी हाई है, अगर आप चाहें तो मीडियम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लें फिर। इसको अब गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। मैं अभी इसकी फ्लेम मीडियम कर रही हूँ, लो नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी देर मीडियम कर लें। अगर आपको लगे कि जल जाएगा ये, तब मीडियम करें, फिर दोबारा हाई कर लें इसकी फ्लेम को। इसको हम पलटा माप के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे।
तो हमारा स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा बन गया। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, पर अगर चाट बना के इसकी खाएं तो उसका मजा ही कुछ और है। वैसे ये स्ट्रीट फूड है, जब बाहर जाते हैं तो जैसे ब्रेड पकौड़ा चाट खाने का दिल करता है तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि इसके ऊपर जो हमारी चटनियाँ लगी हैं खूब सारी, जैसे चाट बनती है बहुत अच्छी लगती है। ये ब्रेड पकौड़ा तो आम ये बन गया, इसकी चाट बना के खाएं तो उसमें हमारा मज़ा दुगना हो जाता है। देखिए अब जैसे कम हो गया तो मैं इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देती हूँ। तो हमारे ब्रेड पकौड़ा जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको अब निकाल लेंगे हम प्लेट में। अब जो हमारे ब्रेड पकौड़ा बने हुए हैं इनके हम पीसेस कर लेंगे। जिस भी साइज के आपको पीसेस करने हैं उससे कर लें। जैसे मैंने 3 पीसेस कर लिए एक बड़े पीस के, और इनको एक प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह दूसरे भी पीसेस कर लिए, इनको भी डाल देंगे हम, क्योंकि चाट का मजा तभी है जब प्लेट भरी भरी हो काफी। देखिए इस तरह से डाल देंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम ये इमली और गुड़ वाली जो चटनी है, इसकी रेसिपी आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। इसको पूरे पे स्प्रेड कर देंगे हम, पहले अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब इस पे डाल देंगे हम धनिया और लहसुन वाली चटनी, ये भी आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक खोल के देख सकते हो। इसको भी अच्छी तरह से डाल सकते हो, इसमें मिर्ची भी काफ़ी है। ये धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन और नींबू, नमक, बस यही मटेरियल है इसमें, और कुछ भी नहीं है। पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, जब हम चाट में डालते हैं इसको तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम फेंटा हुआ दही, पूरे पे डाल देंगे अच्छी तरह से। दही नहीं भी डालना चाहो तब भी चलता है, क्योंकि बिना दही के भी ये अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें प्याज, थोड़ा सा टमाटर, अपनी जिस भी शेप में काटना चाहो उस शेप में काट लें आप। अब डाल देंगे इस पे हम चाट मसाला, और साथ में डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। देखिए ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जब घर में चीज़ बनाते हो तो उसमें ऐसा है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसमें रोस्टेड पीनट्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम खाते हैं, और एक क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है पीनट्स का, वो बहुत अच्छा लगता है। दोबारा ऊपर से हम थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे, और थोड़ी सी हरी चटनी डाल देंगे। तो देखिए ना, बन गया ना हमारा ब्रेड पकौड़ा चाट। इसमें आप आलू भुजिया या सेब भी डाल सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने इसमें सिर्फ पीनट्स डाली हैं। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा चाट बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।